चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को समझने के पहले ये समझने की जरूरत है कि मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट का मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जाकर, अगर हम ट्रेडिशनल टर्म में बात करें तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जाकर हम अपने रिक्वायरमेंट की चीज़ों को खरीदते हैं और उसके बदले में पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ नीड्स है इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड और टर्म इज फिजिकल मार्केट। तो उसी तरीके से जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो अगर जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है, उनको लगातार बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसों को अरेंज करते हैं और उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करते हैं या डिविडेंड जो भी होगा वो पे करेंगे। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट को अगर सिंपल वे में समझें तो उसका मतलब है कि फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है जो सेवर और बोरोवर को एक साथ लाने का काम करती है। यह फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा तरीका है, जरिया है, जिसके थ्रू सेवर एंड बोरोवर जो है वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आते हैं। या फिर फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जो क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, जहां पर आप क्रिएट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल असेट्स का। जैसे आप लोगों ने अकाउंट में शेयर्स पढ़े होंगे, डिवेंचर्स पढ़े होंगे, बॉन्ड्स पढ़े होंगे, तो वहां पर क्या हो रहा है कि क्रिएट हो रहे हैं वो जो है वो फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट हो रही है और उसके बदले में एक्सचेंज हो रहा है। आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है और आपने पैसा डिपॉजिट करा है, फिक्स डिपॉजिट करा है, तो आपको एफडी प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो एफडी है या वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी फाइनेंशियल असेट्स मानी जाती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। दूसरे तरीके से अगर समझे कि शेयर मार्केट में जैसे आप पैसा लगाते हो, तो शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, आपके पास जो है वो शेयर्स आ गए हैं, बदले में कंपनी आपको जो है वो डिविडेंड पे करेगी। और अगर आपको बीच में कहीं पर भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है, तो आप उसको आसानी से सेल कर सकते हो। तो ये सारी आप उस एक तरीके से क्या हुआ कि आपने पैसा लगाया तो आपको शेयर मिल गया, वो आपके लिए एक असेट्स है और वो असेट्स जो होगी वो फ्यूचर में सेल की जा सकती है, यानी रीसेलेबल है। तो यही उन्होंने कहा है कि क्रिएशन हुआ जब आपने कंपनी में पैसा लगाया, आपको शेयर मिले, तो क्रिएशन ऑफ असेट्स हुआ और उसके बाद उस असेट्स का आपने फाइनेंशियली एक्सचेंज करा। अब इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के मैकेनिज्म की बात करेंगे, एक्चुअल में फाइनेंशियल मार्केट का मैकेनिज्म क्या होता है, तो यहाँ पर दो यूनिट्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हाउस होल्ड यूनिट्स आती है, हाउस होल्ड सेक्टर्स आता है, और दूसरा जो आता है वो बिजनेस फॉर्म्स आती है। हाउस होल्ड सेक्टर जनरली जो भी अगर हाउस होल्ड है तो उनके पास पैसा जो होता है वो सरप्लस में होता है, उनके पास सेविंग्स होती है जिस सेविंग, और बिजनेस फॉर्म्स जो होती है वो डेफिशिएंट यूनिट होती है क्योंकि उनको पैसे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लगातार मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हाउस होल्ड जो है वो सरप्लस सेक्टर है और बिजनेस फॉर्म जो है वो डेफिशिएंट सेक्टर है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, सबसे पहले वो अपनी सेविंग्स को, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बैंक में लगा दे या फिर वो फाइनेंशियल मार्केट में लगा दे। अगर वो फाइनेंशियल मार्केट में लगा रहा है तो फाइनेंशियल मार्केट हम जो पढ़ेंगे कि उसमें आगे जाके इसमें डिटेल देंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो यहाँ पर वो अपनी सेविंग्स को दो जगह पर ऑपरेट लगा सकता है। एक जगह, एक तो या तो बैंक में लगाएगा या फिर वो फाइनेंशियल मार्केट में लगाएगा। बैंक्स जो होगी वो लोन देगी बिजनेस फॉर्म्स को, क्योंकि बिजनेस फॉर्म्स को लगातार पैसों की जरूरत होती है, तो बैंक जो है वो लोन के टर्म में बिजनेस फॉर्म्स को पैसा प्रोवाइड करेगी और बिजनेस फॉर्म बदले में इंटरेस्ट देगी बैंक्स को, और बैंक्स जो होती है वो भी बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को। तो ये एक तरीके का साइकिल होता है कि हाउस होल्ड जो है वो पैसा बैंक को दे रहा है, बैंक जो है वो पैसा प्रोवाइड कर रही है बिजनेस फॉर्म को, और बिजनेस फॉर्म उसके बदले में इंटरेस्ट दे रही है और इंटरेस्ट जो है वो हाउस होल्ड के पास जा रहा है। इसी तरीके से अगर इधर देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में आपने अपनी सेविंग्स को जो है वो लगाया है, शेयर्स के टर्म में हो सकता है या जो भी शेयर वगैरह इन्वेस्टमेंट आपने करें उसके टर्म में दे रखा है, और वो फिर फाइनेंशियल मार्केट जो होगा वो पैसा जो होगा वो ट्रांसफर होगा किनके पास, बिजनेस फॉर्म्स के पास, और बिजनेस फॉर्म्स जो होगी वो सिक्योरिटीज के फॉर्म में ले सकती है, शेयर्स के फॉर्म में ले सकती है या डिपॉजिट्स के फॉर्म में ले सकती है, और उसके बाद वो उसके बदले में आपको फाइनेंशियल मार्केट जो है वो रिटर्न यहाँ पर मिलेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, और ये जो पैसा होगा वो ट्रांसफर होगा हाउस होल्ड सेक्टर को। तो एक ये साइकिल होती है जिसके थ्रू ये पूरा ऑपरेट होता है और ये रोटेट होती रहती है मनी, जैसे आपने 10th वगैरह में ऑक्सीजन साइकिल या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल पढ़ी होगी, उसी तरीके से ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मनी साइकिल। फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट, तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन की बात करें तो उसमें पहला आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। इस तरीके से समझ लें कि आपके
घर में अगर पैसा पड़ा हुआ है वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है अगर आप उसको घर में ऐसे ही रखे रहने देंगे। अगर आपने उसको ऐसा ही रखे रहने दिया है, मान लीजिए वो आपको 0% रिटर्न दे रहा है, अब वो पैसा आपने ले जाकर बैंक में जमा कर दिया, बैंक में आपने मान लीजिए FD में कराया जो अभी 6.5 से लेकर 7% की रेट चल रही है, तो आपको वो पैसा जो है वो 7% का रिटर्न दे रहा है। बैंक ने उस पैसे को बिजनेसमैन को लोन पर दिया जो 10 से लेकर 12% तक की रेट पर मिलेगा। बिजनेसमैन ने उस 10 से 12% की रेट पे पैसा लिया है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है। हम मान लेते हैं कि वो 20% का उसको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो अगर वो कहीं से भी पैसा अगर बिजनेस में लगा रहा है तो उसको 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब जो रिटर्न 0% दे रहा था पैसा घर में पड़ा हुआ, वो मार्केट में जाके 20% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यही जो है वो मोबिलाइजेशन है कि वो पैसा जो आइडल पड़ा हुआ है वही पैसा मार्केट में जाकर 0% जो घर पे इंटरेस्ट के नाम पर 0% मिल रहा था वहीं पर मार्केट में वो 20% का रिटर्न दे रहा है। तो यही काम होता है फाइनेंशियल मार्केट का कि उसको मोबिलाइज करना सेविंग को और उसको सबसे प्रोडक्टिव यूज में चैनलाइज करना। जैसे आपके पास भी दो ऑप्शन है कि आप बैंक में लगाते हैं कि शेयर मार्केट में, अगर आपको बैंक में कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप उसको शेयर मार्केट में ट्रांसफर कर देंगे पैसे को। उसके बाद आता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें लॉ होता है डिमांड एंड सप्लाई जो किसी भी चीज के प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करता है। उसी तरीके से मनी के लिए अगर हम बात करेंगे मनी की प्राइस क्या होती है, तो मनी की प्राइस जो है वो इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप कहीं से भी अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो मनी की प्राइस है। तो उसी तरीके से ये जो है वो आपको फैसिलिटी देता है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो डिसाइड करता है कि इसकी प्राइस क्या होगी, इसके रेट्स क्या होंगे। तो ये फैसिलिटी जो है वो आपको अवेलेबल कराता है, वो फाइनेंशियल मार्केट कराता है। अगर मनी की डिमांड ज्यादा है तो उसका इंटरेस्ट रेट हाई होगा, अगर मनी की डिमांड कम है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो ये जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपके जो भी पैसा है उसकी प्राइस रेट को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो आता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पैसा अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप उसको वापिस से चेंज नहीं कर सकते, आपकी सोच को बदल नहीं सकते। मगर अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आपने जो भी पैसा लगाया उसको आसानी से आप विड्रॉ कर सकें, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आपकी फाइनेंशियल असेट्स को। जैसे आप शेयर में पैसा लगा दिया है, अब शेयर अगर इक्विटी शेयर है तो जब तक कंपनी खत्म नहीं होगी तब तक आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको बीच में रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, उस शेयर को जाकर सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आसानी से सेल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पैसे को आप क्या कर रहे हैं, लिक्विडाइज कर रहे हैं, यानी आपने किसी और इन्वेस्टर को भेज दिया और आपको आपका पैसा मिल गया। तो ये फैसिलिटी जो है, ये लिक्विडिटी की फैसिलिटी जो है वो फाइनेंशियल असेट्स प्रोवाइड करती है। अगला आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आज के समय में नेट पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, आपको पता पड़ जाएगा कि इस शेयर का प्राइस क्या है, मैं बैंक में अगर FD करूंगा तो उसके इंटरेस्ट रेट क्या है, तो ये कहीं ना कहीं पहले इतना आसान नहीं था जब नेट नहीं था या नेट की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाती थी। जैसे अगर आपको सर्च करना पड़ेगा मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जाना पड़ेगा, उसमें आपकी टाइमिंग भी लगेगी, टाइम लगेगा, और आपको अगर कहीं दूसरी जगह प्लेस पर जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको उसमें पैसा लगेगा। तो ये जो है फाइनेंशियल मार्केट आप क्या करता है, आपके लिए कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस कर देता है। आप आसानी से आपको फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पता पड़ जाता है कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेनिफिशियल है या कौन सा इन्वेस्टमेंट में बेनिफिशियल उतना ज्यादा नहीं है, तो ये आपके कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो कैपिटल मार्केट होता है और एक मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट जो होता है वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है और मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जनरली कंपनी जो है, हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है बिजनेस फाइनेंस में कि कंपनी को अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो उसके पास दो तरीके होते हैं, ओनर फंड होता है और एक बोरोड फंड होता है। तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट जो है वो जनरली आपका ओनर फंड से रिलेटेड है जिसमें आपके शेयर्स आ जाते हैं, और मनी मार्केट जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है जहां पर आप बैंक जो है वो आपको शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी देती है। यहां पर कैपिटल मार्केट के फिर दो टाइप्स दे रखे हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट आपने शेयर का चैप्टर पढ़ा होगा जहां पर कंपनी शेयर इश्यू करती है इन्वेस्टर को,
तो वहां पर कंपनी ने अगर आपको शेयर इशू करें, डायरेक्ट कंपनी से पैसा ट्रांसफर, कंपनी से शेयर्स डायरेक्ट जा रहे हैं इन्वेस्टर के पास, तो वो जो है वो प्राइमरी मार्केट है। जबकि सेकेंडरी मार्केट क्या होगा, मैंने शेयर खरीद लिए हैं किसी कंपनी के और मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आसानी से अपने शेयर को किसी और को बेच सकूं, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पॉसिबल होगा, तो वो जो है वो आपका सेकेंडरी मार्केट कहलाता है, जहां पर हम अपने शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर देते हैं। तो यहां पर प्राइमरी मार्केट में जो होगा कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डील होगी, जबकि सेकेंडरी मार्केट में जो होगा वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील होगी, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल करेगा। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की आगे और डिटेल, इसे इसको इतना ही अभी यहाँ समझा।